गाइस वेलकम बैक। ये हमारी पार्किंग होगी, चेक इन हो गया, डिनर के लिए जा रहे हैं। फेमस है यहाँ के लेसेस को, जो हम गाउन्स पे लेसेस बांधते हैं। अब अगर खाने की बात करें तो ब्रुज का सबसे फेमस जो डिश है वो वैफल है, फ्रेंच फ्राइज जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, बच्चे जिसके लिए पागल होते हैं मैकडॉनल्ड्स में हर डिश के साथ जो मिलते हैं वो बेसिकली बेल्जियम से होते हैं। फ्रेंच फ्राइज बेशक नाम में फ्रेंच हो लेकिन वो फ्रांस के नहीं है, वो यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे बेल्जियम में। देखो ये बहुत ही एंटीक पीस होता है, बहुत ही कारीगरी होती है इस पर, ये यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि आज शॉप बंद है तो मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे कोई सोवेनिर के लिए मैं शायद लेना प्रेफर करूँगी, जाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं उन्होंने। ये एक्सकवेशन चल रही है यहाँ पर, ये देखो स्कल है, किसी का स्कल निकल रहा है। ये टूरिस्ट आते देख के मुझे वेनिस की याद आई, वहाँ पे भी ऐसे ही ग्राउंड कैनाल करके है और उसके ऊपर स्मॉल बोट्स। क्योंकि यहाँ के बफेट्स बहुत फेमस है तो ये पीछे आप ऐसा इस तरह का डिजाइन होता है इनका, इस तरह बनाते हैं। तो पूरे जितने इनके पास मॉडल हैं वो सारे मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हमने जैसे छोटा छोटा जाओ जो जिस भी स्ट्रीट में जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज उसको ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा टेस्ट है। इस तरह का हमने बनाया, इसमें हमें टॉपिंग्स डालने वाले हैं, कुछ टॉपिंग्स देख लो अपनी मर्जी से भी डालना। रूट्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन रूट से टांगे निकलते हैं। ये टांगा गाइड है। बियर के दीवानों के लिए बेल्जियम सबसे शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ बियर पानी से भी सस्ती है और बियर की क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी दुनिया में किसी भी और किसी भी शहर में नहीं मिलेगी। क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी। मेरे पीछे बियर वॉल है। तो इन्होंने फ्रांस की, बेल्जियम की, नीदरलैंड की, नीदरलैंड कई बार बोलते हैं उसको, तो उनसे जितनी भी बियर्स हैं सबका एक एक बहुत बड़ी दीवार बनाई हुई है हमारे पीछे। और बहुत फनी फनी कोट्स भी ऊपर लगाए हुए हैं, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो जिस भी गली से निकलो यहाँ पे ऐसा है कि एक गली दूसरी गली से मिलती है, दूसरी तीसरी गली से मिलती है, और जहाँ भी आपको जाना है, जिस भी गली में आपको जाना है, वो गली आपको आपकी अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेकर जाएगी। पहले ये बताओ आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत पसंद है या नहीं पसंद है? बहुत पसंद है, अच्छी लगी। So first I make sure the waffle is hot enough, mm-hmm. You can see it now and I prefer hot waffles. Okay. Then I take my box and I dip it in the chocolate. Uh-huh. Oh wow, chocolates look very yummy. And it is yummy. Yeah. We use chocolate from Colourboat. It's also a very good chocolate brand here in Belgium. Mm-hmm. So these chocolates are local production, yes, or they come from, yes, outside? No, everything we use here, so the dough, the chocolate and the toppings, everything, yeah, from Belgium. Everything is from Belgium. Yeah. Okay. So guys, this is the entire process. This is the first step where you made the waffles. There are some ingredients which are secret ingredients. She says she don't want to share. It's okay, we have no problem with it unless we taste and find ourselves. That's all. Thank you very much for explaining us. You're welcome. Like it? तो हमारा वैफल खत्म हो चुका है, अब हमें कुछ
सोवेनिर लेना है। तो सूफी बहुत इंसिस्ट करिए कि उसको बीच पे जाना है, तो वी विल स्पेंड सम टाइम 1 or 2 hours एट द एंड ऑफ द डे ऑन द बीच। बेल्जियम का फेमस चॉकलेट इज चॉकलेट परसोना, तो मैं वो शॉप को ढूंढ रही हूँ, शी टोल्ड मी इट्स समवेयर अराउंड द स्क्वायर। तो पूछते हैं किसी से, किसी को पूछ लेते हैं कि इट इज़ अ फेमस चॉकलेट ऑफ बेल्जियम, चॉकलेट परसोना। अभी तक जितना भी मैं घूमा हूँ ना, यहाँ पे हर एक शॉप पे वही आ जाके वही चॉकलेट्स मिल रहे हैं, वेफल्स मिल रहे हैं। हाँ, तो वेफल्स को ही थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा इनोवेट किया है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है, थोड़ी सी शेप अलग की है, उसको कुल्फी की शक्ल दे दिया है, किसी ने उसको स्क्वायर साइज दे दिया है, किसी ने उसका ट्राइंगल बना दिया है। तो बस इसी तरह उसी को इम्प्रोवाइज करके उसी के अलग अलग फॉर्म्स बनाई हैं। तो चलिए हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में आपको बता दूँगा कि इनके चॉकलेट्स का टेस्ट कैसा है। कुछ ऐसा देखने को लग रहा है, ओरिजिनल चॉकलेट है जो यहाँ पे बना। हाँ, तो यहीं पे बना हुआ है, हेजलनट्स काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं इन्होंने, ब्लैक चॉकलेट है, ब्राउन चॉकलेट नहीं है। इसमें चॉकलेट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है, उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो मेंटेन रहता है। जो बार्स होती है वो फिनिश्ड होती है, ऐसे फैक्ट्री मेड होती है, मैनमेड नहीं है। ये जो दिख रहा है वो अभी बना है, रेडीमेड है, फ्रेश है, और सबसे बड़ा ब्लैक चॉकलेट है। तो अच्छा, चॉकलेट की कंटेंट है जिसके लिए हम आए यहाँ पे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर। जो नॉर्मल चॉकलेट होता है, मिल्क चॉकलेट, उसमें शुगर की कंटेंट ज़्यादा होती है, वो बच्चों के लिए रहता है मोस्टली। स्ट्रॉन्ग एरोमा चॉकलेट की खुशबू आ रही है, इतनी मतलब बच्चों के लिए नहीं है आई वुड से, लेकिन इट्स गुड टू गो विद अ कप ऑफ कॉफी। चलो बियर टेस्टिंग से इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, बाहर से बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बियर को टेस्ट करने के लिए इन्होंने सारी बियर्स की अलग अलग वैरायटी रखी हुई है। अगर ब्रुज में आप आए हो और बियर ना टेस्ट करो तो ये चीज़ भी एक अधूरी रहती है, क्योंकि इनके कल्चर के साथ जुड़ी, जैसे हम चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ऐसे ही ये लोग यहाँ बियर पीते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। My name is Frank. I'm the bartender of this lovely place called the Valorium. Here we have our most famous Belgian beer on tap, which is called Duvel. Okay. This beer is a tornado of bubbles, which no other beer has. Okay. This is due to the fact that this beer has a lot of carbon dioxide in it, which makes the bubbles swirl like a tornado. Name of the beer. The name of the beer. Brewed for over a century. Okay. It was first brewed in 1915. And first it was called Victory Ale.
टेरेस है, पूरा पूरा यहाँ से नज़ारा दिखता है। सो फाइनली हमने अपना जो बियर का सेटअप था, तीन बियर उनकी मर्जी से चूज किए हैं उन्होंने। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ द बियर्स, लेट मी टेल यू, बिकॉज आई डोंट एंजॉय द टेस्ट। तो ये बेल्जियम बियर और इसके साथ फ्रेंच चीज है, चीज का नाम ये टाइप, ये वाला मैंने ट्राई किया, ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। इस बियर को 150 ईयर्स हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम डुबल है इसका नाम, लेकिन इसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। शायद हमारा जो टेस्ट ऑफ टंग है वो वैसा नहीं है, इतनी पसंद नहीं आती। ये थोड़ी सी लाइट है, ये मीडियम है बियर, ये बियर थोड़ी मीडियम है। तो गाइस यहाँ पे थे हम, इस जगह पे यहाँ पे बैठे हुए थे, वो वाला काउंटर था हमारा। अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। फिर से एक और वाफल ट्राई करने वाले हैं इस शॉप से, देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे जो वाफल है वो आइसक्रीम के साथ मिलेगा हमें। तो हम जो ये जो टॉपिंग्स है ये ट्राई कर चुके हैं, चॉकलेट वाला हम ट्राई कर चुके हैं, अभी थोड़ा आइसक्रीम के साथ या कुछ और ट्राई करते हैं। ये वाला लिया। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, सूफी को बीच देखना था, तो हमारा प्लान है कि हम 1-2 घंटे के लिए बीच में जाएंगे, विल रिलैक्स फॉर एन आवर, एंड फिर बाद में हमें 4 बजे तक निकलना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ब्रुज का ये वाला ट्रिप यहीं पे खत्म हो रहा है। See you guys, like and subscribe our channel and we'll keep you posted about our next destination.